बच्चों आज का क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट को डिफाइन करना। इसका आंसर होगा द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज सेड टू बी व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन अ 1 सेकेंड। तो एम्पियर करंट की यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है, और 1 एम्पियर उस को कहा जाता है इसमें 1 कूलाम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है, तो उस चार्ज को 1 यूनिट ऑफ करंट कहा जाता है। इसका मतलब पता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर एम करंट। करंट क्या है? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने के रेट को करंट कहते हैं। करंट को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अगर चार्ज करंट के फॉर्मूले की बात की जाए तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो उन्हें आई की यूनिट एम्पियर, यानी यूनिट करंट। 1 करंट कब आएगा? जब क्यू की वैल्यू को 1 कूलाम कर दिया जाए और टाइम को 1 सेकेंड कर दिया जाए, तो जो आई की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। तो इसका मतलब है यदि किसी कंडक्टर में इसका क्वेश्चन कुछ भी हो उसमें 1 कूलाम चार्ज फ्लो किया जाए 1 सेकेंड तक, तो उस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी क्वेश्चन सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।